ने खाका बना दिया और कह दिया जी चर्चा कर लो और हमारे पास बहुमत है पास तो हम वही कराएंगे जो हमारा मन करेगा, ये चर्चा कहते हैं आप इसे? मतलब विपक्ष में समझ नहीं आती थी जब कहते थे बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, आर्थिक गतिविधियां बढ़ जाएंगी, ये पेट्रोल डीजल के दामों में ऐसे ही इजाफा होता रहा, ऐसे ही कुलाचे मारता रहा, तो ढुलाई तो इन्हीं के जरिए होती है ना। लोन मेला लगाया है, आम आदमी की जेब में क्या गया? 80 करोड़ लोगों को आप दे रहे हैं, वो बात बिल्कुल मुकम्मल है, आम आदमी की जेब में क्या गया? अक्सर मेनस्ट्रीम मीडिया के एंकर सवाल विपक्ष से ही करते नजर आते हैं, लेकिन कुछ एंकर हैं जो सत्ताधारी पार्टी के नेताओं से सवाल करने का दम रखते हैं। आज की वीडियो में बात संदीप चौधरी की करेंगे और उनकी कुछ ऐसे डिबेट्स देखेंगे जिनमें इन जरूरी मुद्दों पर उन्होंने भाजपा के नेताओं को तीखे सवालों में घेरा। न्यूज 24 पर किसान आंदोलन के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में किसान बिलों को लेकर एंकर संदीप चौधरी ने सवाल भाजपा नेता से किए। जवाब में भाजपा नेता बात को गोल गोल घुमाते नजर आए, जिस पर संदीप ने उन्हें ऐसा करने से रोका। 4 घंटे चर्चा हुई, बहुत अच्छी बात की आपने चर्चा की, कानून बनाने से पहले किससे चर्चा की थी? आज तक इस सवाल का जवाब नहीं आया। आपने, आपके सहयोगियों ने कहा 93 लाख लोगों से राय शुमारी की थी, वो डेटा बैंक आज तक तो हमारे साथ शेयर नहीं हुआ, वो 93 लाख लोग कौन थे? लेकिन जो किसान संगठन जिन्होंने समर्थन दिया है इन सुधारों का, इनका डेटा बैंक तो शायद आपके पास उपलब्ध होगा। नहीं नहीं, किससे बात की थी? 5 जून से पहले और 5 जून के बाद अध्यादेश रहते हुए भी कितने किसान संगठनों से बात की? संदीप जी, अगर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा हो रही है तो वहां पे चर्चा तो कानून बनने के बाद हो रही है, उस पर वोटिंग पर चर्चा हो रही है, वो सलाह मशवरा नहीं होता, वो चर्चा होती है। संदीप जी चर्चा हो रही है 135 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व। ना, आपने खाका बना दिया और कह दिया जी चर्चा कर लो और हमारे पास बहुमत है पास तो हम वही कराएंगे जो हमारा मन करेगा, ये चर्चा कहते हैं आप इसे? चलिए ठीक है, उस चर्चा को आप चर्चा नहीं मानते, चर्चा मत मानते, नहीं चर्चा नहीं, बहस कहते हैं या सलाह मशवरा कहते हैं इसे? न्यूज 24 पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर एक डिबेट हुई। इस डिबेट में संदीप चौधरी ने भाजपा नेता से 2014 से पहले और अब के दामों को लेकर कुछ सवाल किए, जिस पर नेता कुछ आंकड़े देती नजर आई, पर एंकर ने उन्हें अपने सवालों में घेर लिया। हाँ। अभी जब कांग्रेस की पार्टी सत्ता में थी 2010, 11, 12, 13 डॉलर इंडेक्स का एवरेज था बिटवीन 75 to 78। हाँ। पर आज डॉलर इंडेक्स का भाव है बिटवीन 92 to 95। हाँ। तो जो बेनिफिट हमको लोअर इंटरनेशनल प्राइसेस के द्वारा मिला, That was neutralized by a stronger dollar index. यहाँ पर गड़बड़ हो गई। और ये बातें आपको मतलब विपक्ष में समझ नहीं आती थी जब कहते थे बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, और कहा गया पेट्रोल के दाम कच्चे तेल की कीमतें गिर गई तो हम खुश नसीब हैं, तो खुश नसीब सरकार है और बदनसीबी आम आदमी के खाते में आ गई? नहीं, बदनसीबी हमारे खाते में आ गई क्या? संदीप जी कुछ कहने का मौका दीजिए ना। मैं तो पूरा मौका दे रहा हूँ। तो एक चीज तो हम दोनों महंगाई के मुद्दे पर एक डिबेट न्यूज 24 पर हुई। इस डिबेट में एंकर ने बढ़ती महंगाई को लेकर सवाल भाजपा नेता से किया, जिस पर नेता सरकार के खर्च गिराने लगे, पर एंकर ने उन्हें आम आदमी को राहत देने को कहा। आर्थिक गतिविधियां बढ़ जाएंगी, ये पेट्रोल डीजल के दामों में ऐसे ही इजाफा होता रहा, ऐसे ही कुलाचे मारता रहा, तो ढुलाई तो इन्हीं के जरिए होती है ना। असली बात यह है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो सप्लाई साइड से इंक्रीज होगा, आपूर्ति बढ़ेगी तो महंगाई पे कंट्रोल आएगा, अंतर्गत सरकार के पास रिसोर्स कंस्ट्रेंट कम होता जाएगा तो फिस्कल डेफिसिट भी कम होगा। अच्छा, वो अभी अपनी आमदनी बढ़ाने की फिराक में है सरकार, इसीलिए और आज खर्चे के और उससे जन कल्याणकारी योजनाएं भी कर सकेंगे और टैक्स भी कम कर पाएंगे। और आज मैंने वो कुकर की सीटी नहीं सुनाई दी, इस वक्त आपके घर में खाना बन रहा होता है, मुझे भूख भी लगने लगती है। ये जो 25 रुपए दाम बढ़ा दिए एलपीजी सिलेंडर के, भी कुल मिलाकर 240 रुपए बढ़ गए 7 महीने में, आज भाभी जी ने विरोध प्रदर्शन तो नहीं शुरू कर दिया घर में ही कि नहीं बनेगा आज खाना, आज कुकर को चलाऊंगी ही नहीं। चला ना संदीप जी कि आप ये महंगाई पे बात करें, मैं ऑफिस में आके बैठ गया। न्यूज 24 पर कोरोना के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने कोरोना काल में मरने वालों को मुआवजा देने को लेकर कुछ सवाल किया, जिस पर भाजपा नेता सवाल को गोलमोल करते नजर आए, पर एंकर ने उन्हें टोका और सही से जवाब देने को कहा। ग्लोबल एपिडेमिक है, उसके अंदर पूरा विश्व इस बात से जूझ रहा है और ये कोई एस्टिमेटेड नहीं है। आज कितनी मृत्यु हुई है, कल कितनी हो सकती है,
16,000 करोड़ रुपए हमारे बजट का आधा फीसदी से भी कम नहीं है सरकार के पास। जो कोरोना की लड़ाई में कोरोना पेशेंट को ठीक करते हैं उन्हें 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस सरकार ने दिया है और वो पहली प्राथमिकता थी हमारी, और बाकी का जो पैसा उसको मिला ले तो 35 लाख करोड़ रुपया हमने देश की इकोनॉमी को प्रोपेल करने के लिए गरीबों को तरलता, वो तो लोन मेले लगाए हैं ना, लोन मेला लगाया है। आम आदमी की जेब में क्या गया? मैं ये मानता हूं कि 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल देने का प्रावधान किया है, 80 करोड़ लोगों को आप दे रहे हैं, वो बात बिल्कुल मुकम्मल है। आम आदमी की जेब में क्या गया? जिसकी तनख्वाहें चली गई, नौकरियां चल गई, या यहां पर मौत के चलते परिवार का भविष्य ही अंधकार में डूब गया? बिल्कुल, ये इससे दुखद तो कुछ हो ही नहीं सकता। कोविड की लड़ाई में कोविड से जान गंवाने वाले जिनकी कोविड से मृत्यु हुई है, उससे दुखद तो कुछ हो ही नहीं सकता। आजकल सत्ता में बैठी पार्टी से कम सवाल होते दिखाई देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि संदीप आगे भी भाजपा नेताओं से इसी तरह सवाल करते रहेंगे और जनता से जुड़े मुद्दे उठाते रहेंगे। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।